रची है सृष्टि उसने सारी। रची है सृष्टि उसने सारी, देवी है लक्ष्मी, लक्ष्मी है नारी, लक्ष्मी है बेटी, बेटी है रानी। उसकी कहानी खुद की जुबानी, लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी। अभी तक तो थे लक्ष्मी के गांव से शहर जाने और पढ़ने पढ़ाने के सवाल, मगर अब 14 बरस की लक्ष्मी की शादी की बात आई है। जमुना रामदयाल की लड़की जावित्री का बेटा पढ़ रहा है, इंटर कर चुका है। रामदयाल पूरन को घर बुलाकर लक्ष्मी की अपने देवती से शादी की बात चलाता है। पूरन असमंजस में पड़ जाता है और भीतर से कतई इस बात को नहीं स्वीकार कर पाता है। घर आकर गोमती को जब ये बात बताता है तो गोमती सकारात्मक रूप से इस बात को स्वीकारती है कि गांव बिरादरी के लिहाज से रिश्ता जायज है। गोमती पूरन पर शादी के लिए दबाव डालती है। क्षेत्र की हेल्थ सुपरवाइजर सुषमा गोमती और जमुना को समझाती है कि लड़की की शादी कच्ची उम्र में करना ठीक नहीं है, लड़की की शादी 18 बरस से कम में नहीं करनी चाहिए, सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है, न जाने आगे क्या है लक्ष्मी की जिंदगी में। अरे गणेशा, कितना टाइम और लग जाएगा गाही में? साहिद भाई, शायद 2 घंटा और लग जाएगा, फिर हो बहुत काम निपटाए लो। हाँ, इतना वक्त तो लग जाएगा। इस बार फसल अच्छी हो गई, कई बरसों बाद किसानों को फायदा होएगा। तुम हो तो गांव भर में सबसे पहले गाही का काम निपटाए लो। अरे गणेशा, ये तो सोहन लग रहा है, ये कब आ गया शहर से? बड़ो जल्दी आ गयो, कल ही तो गयो। परसों पल्ले रोज मुझसे सतीश बाबू को पतो पूछ रहे हो, लक्ष्मी को खैर खबर कहलानी है तो बताए दो, मैं तो टाल गयो। अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया गणेशा। हुई सकत है कि प्रधान जी के यहाँ से पूछ लो। 12 साल सतीश बाबू ने अपनो नए मकान बना लो। अरे आओ आओ सुहान, आओ, कब आई शहर से? अरे भैया, बस कोई घंटा भर पहले। भागम भाग सी हो गई, वो बस बंदूक के वो काके में लाइसेंस का मसला हा, जरूर ही काम था, वरना फसल को टाइम घर से कहाँ निकलो जाए। ओ हाँ गणेशा, वो सतीश बाबू के यहाँ जान को ना ही मिलो, पता तो मिल गया था मुको, कलेक्ट्रेट के पास ही था घर, मगर इत्तफाकन लक्ष्मी मिल गई बाजार में। लक्ष्मी? लक्ष्मी को कहाँ देख लियो तूने? अरे बस वो कलेक्ट्रेट से बाहर रिक्शा कर रहा था, अब बस अड्डे आन था ना, तभी सतीश बाबू की गाड़ी आ गई, लक्ष्मी भी थी साथ में। अच्छा अच्छा, इत्तेफाक ही हुआ जो ऐसे मुलाकात हो गई, वरना इतने बड़े शहर में ढूंढने से भी मुश्किल से मिलते हैं लोग। अरे ठीक ठाक तो है लक्ष्मी? अरे ठीक ठाक। अरे भैया साहिद भाई, वो तो पहचान में ही ना आ रही थी, अब बिल्कुल रंग रूप बदल गया है लक्ष्मी का। मतलब का है तेरो, का कहना चाह रहे हो है? अरे मैं का कहना चाहूंगा भला?
तू तो ऐसे कह रो है जैसे 4-5 बरस से तूने लक्ष्मी की सूरत ही नहीं देखी है। अरे गणेशा, मेरो कहन का मतबल हो कि लक्ष्मी ने बाल कटाए लए हैं। शहर में फैशन का रिवाज तो है ही है, कोई नई बात थोड़ा ही है। और फिर सतीश बाबू माने भी तो बहुत है लक्ष्मी को। चल गणेशा, घर चलते हैं यार, चाय भी कर आते हैं, थकान बहुत हो गई है। चलो शाहिद भाई। हाँ हाँ, जाओ भाई, तुम लोग जाओ, थकाई लग रही होगी ना। शाहिद भाई, सोहन की बातन ने तो दिमाग ही खराब कर दियो है। अरे यार, ये तो है ही लफंगा, शैतानी दिमाग, इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। फिर आऊं शाहिद भाई, बात तो सोचन बारी है ही है, जे सतीश बाबू हैं कैसो आदमी, देखन में तो ठीक ही लागे हैं, मगर भीतर से कैसे हैं कौन जाने। अरे यार, क्या फुतूर तेरे दिमाग में आ गया गणेशा। और फिर लता भी तो साथ रहती। मेरो दिमाग भी कम शैतान नहीं है शाहिद भाई, सोचन की बात तो जे है कि इत्ते फैशन की नाई ही लक्ष्मी, बात तो सीधी सादी ही। तू बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है गणेशा, छोड़ बात को। नहीं शाहिद भाई, आज सोहन ने इशारों कियो है, कल कोई और उंगली उठा सकत है, कहो कि जुबान पकड़ना हमारे बस की नाहे है। छोटे से गांव में बात फैला देर लगे है का। अरे यार, आगे कहां जा रहा है, चल चाय पी ले, फिर चलते हैं खेत की तरफ। बस अभी आओ। अम्मा, ओ अम्मा। हाँ, का बात है, काय चिल्ला रहो है। सोहन आज ही लौटो है शहर से। अच्छा, पता है का कह रही हो है लक्ष्मी के बारे में। आए, लक्ष्मी के बारे में का कह रहा है नास पीटो। अरे कावा लक्ष्मी का, बट ठीक तो है लक्षण, ठीक नहीं है बाके। हाँ, बाल कटा ली है फैशन में, हीरोई बनी घूमत है शहर में सतीश बाबू के साथ। का बक रहा है गणेशा, जो मन में आएगी बकेगो। बक नहीं रहा हूँ, बा ही कह रहा हूँ जो सोहन अपनी आँखों से देख कर लौटो है। अरे दैया रे दैया, और न जाने काका करेगी जा लौड़िया, का जरूरत है जाको सतीश के संग घूमन की। अरे तो जा मैं परेशान हूँ उनकी का बात है। अरे शहर में रह रही है, खुद लता के बाल कटे हैं और नीतियों के बाल कटे हैं, साथ ले गई होएगी कटवान को लक्ष्मी के बाल, कौन गजब होएगा जामे। अरे बिस्नो, गांव शहर में कोई फर्क है कि ना है, और घर के यहाँ तो लड़की ने इनको बाल कटाओ ना उसे ही अशुभ मानो जात है, और फिर पूछने की जरूरत ना है समझी हमसे। अब बताबो जे सतीश बाबू के संग इकल्ले घूमन की का जरूरत है बाको, और का लताओ ने पट्टी बांध रखी आखन पे। अरे लक्ष्मी तो छोटी है, ना समझ है, लता तो समझदार है। मैं तो पहले कह रहो थो। ओफो, तुम लोगों ने तो हद कर दई है। अरे हुई सकत है कोई परेशानी हो घर में, लता की तबीयत ठीक ना हो, सो काउ जरूरी काम हाँ। से लता नहीं भेज दो सतीश के संग। हाँ, तुम लोग हाँ, तो पूरी बात जाने बिना आगे से आगे इतनो सोच डालता हो। अरे बस सोना तो है ही बड़ो बदमाश। हाँ, सो तो सब ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि लक्ष्मी को 4-5 दिन के लिए बुलाए लें, प्रधान जी के यहाँ से इनके बाबा ने फूनों कद्दाव हो। अच्छा। बहुत दिन हो गए हैं लक्ष्मी को घर आए। हाँ, सो तो है ही। और लता कही और रही ही कि अब जाड़न की छुट्टी में बाय 3-4 दिन के लिए भेज देगी। हाँ, सो ठीक रहेगी है। अच्छा अम्मा, मैं खेतर में जा रहा हूँ, बाबा से बात कर ले लक्ष्मी के ब्याह की। हाँ तू ठीक कह रहो है, आज ही मैं तेरे बाबा को भेजूंगी जमुना चाची के यहाँ, और तू हुआ गाय चल रही हो, काम छोड़ के आएगा है। जा जल्दी जा। Metals, arts, sonorous, means, ओफ, ये तो याद ही नहीं हो रहा। Metals are sonorous means that they produce. अरे अरे भैया जी, आप इतने सवेरे कैसे? लक्ष्मी, नींद नहीं आ रही है, बहुत देर से करवटे बदल रहा था। धीमे बोलो, धीमे।
लता और नीतू की नींद ना टूट जाए। जी भैया जी, चाय बनाऊं? आओ, मैं तुम्हें कुछ पढ़ाता हूँ। ऐसा करते हैं, हाँ, आंगन में चलते हैं, वहीं बैठ के तुम्हें पढ़ाऊंगा। जी। तुम्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम भी है ना? हाँ, चलो चलो, एक घंटा तुम्हें पढ़ा ही देता हूँ। ठीक है भैया जी, आप चलो आंगन में, मैं चटाई और किताबें लेकर आती हूँ। अरे भैया जी, ऐसे ही रोज एक घंटा मुझे दोगे तो मेरी तो अंग्रेजी फर्राटे की हो जाएगी। बस इसी में थोड़ा बहुत डर है मुझे। अरे अरे, तू चिंता मत कर, अरे मैं तुझे एक्सपर्ट कर दूंगा इंग्लिश में। चलो टेंस से शुरू करते हैं, सब बेसिक क्लियर कर दूंगा। ऐसे क्या देख रहे हैं भैया? बात करते करते तुम्हारे चेहरे पर नजर ठहर गई। मौका ही कहाँ मिलता है तुम्हें ऐसे देखने का। तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो। अंदाज तो था, मगर एहसास आज हुआ। भैया जी, सुबह सुबह इस चेहरे को मत देखो, पढ़ाओ फटाफट, बड़ी फिक्र है इम्तिहान की। अरे तू पास तो बहुत अच्छे नंबरों से होगी, क्योंकि क्योंकि जितनी सुंदर है तू उतनी ही होशियार और समझदार भी। अरे किसी लड़की में इतनी तेजी से चेंजेस आसान बात नहीं है। अरे भाई, तेरी पर्सनैलिटी में जो निखार आया है, रियली रियली। ओफ़ ओ भैया जी, आप तो सुबह सुबह मेरे तारीफ के पुल बांधने बैठ गए। अरे लक्ष्मी जी, ये क्या भैया जी की रट लगा रखी है? कसम से तुम्हारे मुंह से भैया जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो देखो, मैंने तुमसे एक बार पहले भी सबके सामने कहा था। हाँ, कहा तो था, मगर ठीक है, सामने सबके कहा करो, लेकिन देखो अकेले में बिल्कुल नहीं चलेगा भैया जी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, बहुत प्यारी सी, छोटी सी। पढ़ाई लिखाई तुम्हारी कल से शुरू होगी, आज तो सिर्फ बातें होगी तुमसे, सिर्फ बातें। अच्छा आप बैठो, मैं बस 5 मिनट में चाय बना के लाती हूँ। जीजी और नीतू तो देर में उठेंगे, आज संडे है ना। अच्छा, तब ठीक है। वाकई बला की खूबसूरत है लक्ष्मी। हेल्थ, हाइट, क्या गजब का फिगर है। काश काश। भैया जी, ये चाय लीजिए गर्मा गर्म। हाँ, लाओ चाय। अरे अरे भैया जी, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए हाथ। अरे बाबा, क्या किया है मैंने? सिर्फ हाथ पकड़ने के बैठने के लिए ही तो कह रहा हूँ। अरे नहीं भैया, छोड़िए। अरे इसमें क्या हो गया जो तू इतना घबरा गई? ये चेहरा ऐसा लाल क्यों हो गया तेरा? उई बाबा, बाप रे बाप, अरे और भी प्यारी लग रही है तू। अरे तू तो मुझे मार डालेगी लक्ष्मी, मार डालेगी। भैया जी प्लीज, पता नहीं बड़ी घबराहट हो रही है। आप चाय पीजिए, मैं अंदर जाती हूँ। अरे प्लीज भैया, घबराओ नहीं लक्ष्मी, इस घर में रहती हो। प्लीज भैया छोड़ दीजिए, इतना तो हक हमें भी है तुम्हें छू सके। आओ प्लीज भैया छोड़, आओ आओ बैठो। ये क्या कर रहे हैं? और ये पसीना पोंछो, बहुत घबराहट हो रही है। गलत सेंस में मत लो, आराम से चाय पियो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो आइंदा हाथ भी नहीं पकड़ेंगे, ठीक है? चलो चलो, अब मुस्कुरा दो, मुस्कुरा मुस्कुरा मुस्कुरा। तुमने तो मुझे घबरा दिया था। हाँ, ये हुई ना बात। Thank you.
प्रधान जी का बताऊं, बड़ो दिमाग खराब होत है लक्ष्मी के ब्याह को सोच के। देख ले भाई, सोच समझ ले पूरन, तू लड़की को पढ़ानो लिखानो चाह रहो है, सो लक्ष्मी तेरी उम्मीद से ज्यादा तरक्की कर रही है और जाई साल बोरट को इम्तहान देन की तैयारी कर रही है। अच्छा, रहो लक्ष्मी की शादी को मसला, भाई तुम ठहरे माँ बाप, जो तुम्हारे सोचन की बात है वैसा ही ठीक है, जैसा मर्जी चाहे कर लो। बात जा है प्रधान जी कि हमारी बिरादरी में जरा उम्र ज्यादा हो जाए तो लड़का मिलनो बड़ो मुश्किल हो जाता है। अब आपसे का छिपा मैं, अभी तो घर बैठे बड़ो अच्छो रिश्ता आएगा है, पढ़ो लिखो है, पैसा जायदाद सब कुछ है, सब ठीक ठाक है। अब का बताऊं प्रधान जी, जो दुनियादारी जीवन ना देते है, मैं तो बड़ो बेफिकर हो गए हो, उतर लक्ष्मी पढ़ रहे है, इतने गोपी तुलसा साहित्य के स्कूल में पढ़न जान लगे हैं, गणेशा भी खेती बाड़ी में ध्यान देन लगो है और मेरा इलाजो बराबर चल रहा है। अब सवेरे से शादी ब्याह की कहानी लेके बैठ गई जागो मतिया। अरे तो का लोड़िया नए ब्याहने है, कुंवरिये बिठाए के रखोगे का? अरे बाल लड़का को लड़किन की कमी थोड़ी हो है, अरे वो तो मैंने जमुना चाची के हाथ जोड़ जोड़ के उन्हें पटाए रखो है, तभी तो वे अभी लो हमारो मुँह तक रही है। अरे ऐसी बात में गुस्सा करने की कोई जरूरत ना है गोमती, लड़नो झगड़नो ठीक ना है भैया, आराम से सलाह मशवरा कर लो, जैसी राय बने वैसे करन में का हरज है। हाँ, सो तो है। और वैसे तो भैया हमारे हिसाब से तो 18-19 बरस से पहले लड़की की शादी करनी ठीक ना है, और भैया वैसे तुम्हारी मर्जी। देखो पद्धानी, उसे तो जमुना चाची कह रही ही कि फैसला करने के लिए थोड़ो टाइम ले लो, कोई जल्दी ना है, आराम से दोनों मियाँ बीबी सोच लो और बताए दो। अब हम ही सोच रहे हैं कि ऐसो ना होए कि लड़का हाथ से निकल जाए, इतना अच्छो रिश्ता ढूंढनो हमारे बस की बात तो है ना है। एक बात और है प्रधानी जी, न जाने काहे लक्ष्मी की तरफ से बेफिक्री सी ना है, सच्ची हर वक्त बा में ध्यान लगो रहे है, लड़की जात है, आखन से दूर है, कहूं कोई ऊंच नीच के चक्कर में ना पड़ जाए। सही में। बच्ची तो है, जमानो बड़ो खराब है प्रधान जी। फिकर ना कर पूरन, अरे लक्ष्मी घर माई तो है। अरे पूरन बात ठीक ही कह रहे हैं प्रधान जी, लक्ष्मी के मामले में तुम बिल्कुल फिकर ना करो, लता और सती दोनों बहुत समझदार हैं, उन्हें बहुत फिकर है तुम्हारी लक्ष्मी की। और हाँ गोमती, मैं 2-4 दिन में शहर को जाऊंगी, उनको ना और समझा दूंगी। हाँ तब तो मैं निशा खातिर हो जाऊंगी, और बाकी ब्याह की बात को अगले बस के लिए टाल देऊंगी और हाथ जोड़ लेऊंगी जमुना चाची के। हे प्रभु भला करियो। हाँ प्रधानी, तो कब जाओगी तुम शहर को? अब देखो, देखती हूँ गोमती, अगले हफ्ते निकल सकूँ तवई है। और ऐसा कर गोमती, चाहे तू भी मेरे संग चली चल, हम दोनों संग ही चले चलेंगे और देख संग ही वापस आ जाएंगे। अरे ना यहाँ रोटी पानी की परेशानी हो जाएगी। अच्छा। अरे कछु परेशानी ना है, तू होया तो तसल्ली हो जाएगी। हाँ ठीक है, तब तो मैं जरूर चलूंगी, अरे जिंदगी गुजर गई शहर ना है, देखो मैंने तो। अरे कौन बात पर सबको हंसी आ रही है भौजी? आए गए जागने। बात हो रही है शहर की। का नहर की? अरे कौन सी नहर, भावर वाली? जा बखत बिल्कुल सूखी पड़ी है बा नहर, एक बूंद पानी ना है बा में। हाँ, मगर इसमें हसन की कौन बात है? अरे नहर ना शहर की बात है, शहर की मगर। अरे का नहर में मगर कहाँ से आ गो? अरे गजब हो गो भौजी। अरे नहर ना शहर, शहर शहर का जहर। अरे दैया रे दैया, अब मुंह को जहर खबा गई का? अरे पगले जहर नहीं शहर, शहर शहर। तो चीख काहे को रही है भौजी, मुंह को बहरो समझो है का? हां ना तो
अरे बिस्नो आवो आवो, मैं ही निबट गई रोटी पानी से। मैं जा कह रही ही कि वह पधनिया कह रही हैं कि वे अगले हफ्ता में शहर को जाएंगी। अच्छा। और मऊ से कह रही हैं कि मैं साथ में चलूं। और मैं सोच रही हूँ कि हुई आऊं शहर, मैंने तो देखो ना है कब हूँ। लक्ष्मियों को देख आऊंगी और अपनी आंखन से देख के तसल्ली हो जाएगी मोए। हाँ, और वो लक्ष्मी के ब्याह की बातों तो अटकी भाई है, तू का कह रही है? तेरो सह जानो तो ठीक ही रहे वो गुमतिया, जरूरी भी है, एक चक्कर लगाए ले। लक्ष्मी को ब्याह साल छह महीना में करी डार। अरे लोगन को कहा है, लोग बड़े खराब हैं। हाँ भैया, लौड़िया की फिक्र तो मुए खाए जा रही है। रही बाकी पढ़न की बात, तो वो लड़का पढ़ो लिखो है, जहाँ बात चलाए रखी है। अच्छा। अब वो जरूरी समझेगो तो बाद में खुद ही पढ़ाए लेगो। अरे पढ़ाए ना पढ़ेगो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना है, कम से कम तो को बेफिक्री हो जाएगी। हाँ, जो तो है। अरे महतारी की पीर महतारी समझ सकत है। हाँ। औरतन की परेशानी औरत ही जानता है, मर्दन की का है, कबू बाप बन के लता ले। हाँ, तो कबू भाई बन के गरिया ले। हाँ। कबू खसम हो के लुगाई पे लात घुसा चलाए लेंगे। ठीक है कह रही है बिस्नो तू। अरे पूरन भैया। अरे कौन जागन भैया, आओ आओ। पूरन से मिलने आओ। अब कहाँ गो पूरन? जागन भैया वे पोस्टमास्टर साहब के पास गए हैं, वो लक्ष्मी को खातो खुलवानो है ना, खातो। हाँ? छातो? अरे का पगला आ गई है भौजी, जा मौसम में छातो को का काम? अरे जागन भैया छातो ना खातो, खातो चना तो ठीक कह रही भौजी। नई बात कर पूरन से पुरानो नातो है हमारो, तभी तो देर सवेर चले आते हैं हम। जागन भैया तुम तो पूरे के पूरे बहरे आओ। अरे गोमती खाते खोलन की बात कर रही है और तुम छाता और नाता गाय रहे, बेकार हो गए तेरे काम। अरे बे सब भौजी, तू कौन मकान दुकान को किस्सा लेके बैठ गई, इतनी फुर्सत ना है। अरे तेरी आदत ही हो गई है जोर जोर से चिल्लाए के बात करने की, हमार कान ज्यादा ऊंची आवाज सुनने के आदि ना है। अरे मैं चलो राम 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 राम। नाजुक है कांधे बोझा है ओढ़े, कैसी सजा क्यों उदासी के घेरे, छोटी है प्यारी है बेटी है लक्ष्मी, गले से लगा लो घर में है लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी।